वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ बॉलीवुड दिस वीक। फिल्म अमर अंसारी आप सभी लोगों का मेगा स्टार सलमान खान की फिल्म प्रोजेक्ट टाइगर यानी कि टाइगर 3 के एक और एपिसोड में तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूँ। क्या हो रहा है मेरा भाई? फाइनली द दिल्ली स्केड्यूल ऑफ टाइगर 3 हैज कम टू एन एंड। हमने देखा किस तरह से ये पूरा का पूरा स्केड्यूल बहुत ही मजेदार था, एक्शन पैक था। नोएडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से ये पूरा का पूरा स्केड्यूल हुआ, उसके बाद कल रात को यानी कि दिल्ली में ये स्केड्यूल वो रैप अप हुआ और रॉयल मेडन्स में शूट हुआ, बहुत सारे लाइव लोकेशंस में शूट हुए एंड पिछले दो दिनों से नाइट शूट्स टाइगर 3 की चल रही है। सो गाइज द आउटडोर स्केड्यूल ऑफ न्यू दिल्ली हैज रैप्ड अप एंड गाइज अभी कलीना इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो यानी कि प्राइवेट एयरपोर्ट जहाँ पे चार्टर प्लेन्स आती है वहीं पर सलमान खान, कटरीना कैफ, वेट अ मिनट, इमरान हाशमी जिसको पूरा का पूरा छुपाया गया इतने महीने नहीं साल कहूंगा। अरे भैया आप जब इस फिल्म में है ही नहीं तो साथ में प्लेन में कैसे आ गए भाई? हाँ इमरान हाशमी साथ में निकला, कटरीना कैफ आगे निकली एंड इमरान हाशमी उनके पीछे निकले एंड सलमान खान सरप्राइज एवरीबॉडी। देखा इस फिल्म के लिए सलमान खान ऑलवेज कीप्स हिज बियर्ड, सभी लोगों को पता है टाइगर 3 में उनका बियर्ड है, लेकिन कल रात को एक इवेंट के बाद सलमान खान गॉट हिज क्लीन शेवन लुक। आज सुबह कलीना एयरपोर्ट पे जब वो बाहर निकले तब गाइज ही हैड अ क्लीन शेवन लुक, यानी कि टाइगर 3 का जो स्केड्यूल है वो समाप्त हो चुका है। अब जब नेक्स्ट टाइम जो भी पैचवर्क होगा इस फिल्म का एंड जो भी सीन्स होंगे शाहरुख भाई के साथ जब वो शूट करेंगे ऑब्वियसली ही विल ग्रो हिज स्टबल एंड हिज बियर्ड बैक। अब क्या है क्या नहीं है ये आने वाले समय में पता चलेगा। फिलहाल द आउटडोर स्केड्यूल एंड द फिल्म टाइगर 3 इज कम्प्लीटली रैप्ड अप। ओके तो टाइगर 3 अब समाप्त हो चुकी है यानी कि जो मेन शूटिंग है इस फिल्म की वो कम्प्लीटली रैप अप हो चुकी है। एक खुशी की बात है, चलो एक फिल्म तो रैप अप हुई, टाइगर 3 अब इंतजार है कि कब पठान रैप अप होगी। पठान 24th या 25th से जो शूट है वो शुरू होने वाली है, उसके बीच में शाहरुख भाई एक और फिल्म है की शूटिंग करने वाले हैं, क्या डिटेल्स हम आपको जल्दी ला के बताऊंगा, लेकिन फिलहाल टाइगर 3 समाप्त हो चुकी है। अब गाइज यशराज का ये रहता ही है, हमने देखा है बहुत सारी फिल्में चाहे वो पृथ्वीराज हो चाहे वो शमशेरा हो, यशराज अपनी फिल्मों की जो बाकी की वर्क है यानी कभी बोल्ड शूट रखता है कभी पैचवर्क रखता है, अपने स्टूडियो में ही जो यू नो क्लोजअप शॉट्स लेने के लिए वो बोल्ड हमेशा इस्तेमाल करते हैं तो वो होता ही रहता है। हाँ यानी जो मेन फिल्म शूट होके है वो समाप्त हो चुकी है, अब आने वाले समय में कितना पैचवर्क है कितने सीन्स है उसके लिए वायरफ जो क्रू बुलाता रहेगा, लेकिन फिलहाल द आउटडोर स्केड्यूल एंड द लास्ट स्केड्यूल ऑफ टाइगर 3 इज डन। एक छोटा सा स्केड्यूल होगा बिटवीन शाहरुख भाई एंड सलमान भाई आने वाले समय में होगा। ओके गाइज सो अब आज के एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे एग्जैक्टली पिछले दो तीन दिनों से क्या हुआ। कल रात को देख सकते हो सलमान खान लुकिंग एब्सोल्युटली अमेजिंग, यहाँ पर गौरव द्विवेदी जो है उनसे सलमान भाई यहाँ पे मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं, उन्होंने उनको छत्तीसगढ़ आने के लिए कहा जो सलमान भाई ने ग्रेशियसली एक्सेप्ट किया। लुक एट द फिटनेस लेवल ऑफ सलमान खान, आई मीन एक फिल्म के लिए अपनी फिटनेस किस लेवल तक ले जाते हैं इज एब्सोल्युटली इनसेन। लुक एट द वेस्ट लाइन, ही इज जस्ट स्लिम डाउन एवरीथिंग, लुकिंग एब्सोल्युटली स्लिम। तो अब गाइज मैं आपको एक और कैरेक्टर से इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ जो कि सेट्स पर उस दिन थे। अब गाइज शहल गेवी एंड दानिश भट्ट के साथ शाहिद लतीफ, यस फ्रेंड्स शाहिद लतीफ ये सरदार का ग्रैंडसन में थे, आने वाली फिल्म सिंड्रेला जो है उसमें चंद्रचूड़ सिंह के साथ ये है, वहां पे अक्षय कुमार की फिल्म है वो, तो ये भी टाइगर 3 ज्वाइन कर चुके हैं गाइस। सरदार का ग्रैंडसन में वो पाकिस्तानी यू नो पुलिस या मिलिट्री का हिस्सा थे, तो ये फिल्म में टाइगर 3 में यहाँ पर शाहिद लतीफ हैज ऑल्सो ज्वाइंड अलॉन्ग विद दानिश भट्ट एंड गेवी शहल एंड सारे के सारे लोग जो इंपीरियल होटल में रुके हुए थे सारे के सारे लोग रवाना हो गए। ओके गाइस अब हमने इस स्केड्यूल में किस किस को देखा थोड़ा रिविजन कर लेते हैं। हमने देखा यहाँ पर नन देन कुमुद मिश्रा को, आनंद विधात को देखा हम लोगों ने, दानिश भट्ट, गेवी शहल एंड इमरान हाशमी कल सेट्स पर भी दिख गए मनीष शर्मा के साथ। ओके तो इमरान हाशमी कंफर्म है एंड आज एयरपोर्ट पर भी साथ में निकला है, तो आई थिंक पिक्चर खत्म होने का इंतजार कर रहे थे वायरफ एंड अब जब फिल्म खत्म हो गई आई थिंक सरप्राइज जो है इमरान हाशमी का वो फाइनली वो खुद से रिवील कर देंगे। ओके गाइस इमरान हाशमी दिखे, यहाँ पर कटरीना कैफ थी, सलमान खान थे, सारे किरदार जो है विशाल जेठवा थे, इन्होंने अपना स्केड्यूल उसी दिन खत्म करके ही वेंट टू श्रीनगर। ओके तो ये पूरे के पूरे स्केड्यूल में ये सारे एक्टर्स हमें दिखाई दिए एंड फाइनली टाइगर 3 हैज रैप्ड अप। ओके सो लेट्स सी आने वाले समय में जब भी कोई पैच शूट होगा या फिर और कोई शूट होगा टाइगर 3 का तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। अब इंतजार की घड़ियां शायद खत्म हो जाएगी, अब पता नहीं यशराज कब अनाउंस करेगा ये तो वक्त ही बताएगा। सो ऑलवेज से स्टे कूल मैन।